to novice translating knowledge to wisdom or as we are continuing our NCERT series for UPSC basic series means NCERT exam cover kar rahe hain sir 6 to 12 so this is right now we are doing class 6 NCERT geography class 9 economics hum khatam kar chuke hain 6th ka chapter 5 we are going to start today so without wasting much time let's get started So the fifth chapter is major domain of the earth. Wait, let me see if this is visible to you or not. Let me highlight it. दिखे सबको. Okay, fine. Major domains of the earth. ठीक है. So there are basically three major domains of the earth. पहला है hydrosphere, rather lithosphere. Lithosphere means earth surface जो solid portion है. Another one is hydrosphere. Hydro means water, as the name suggests. Hydrosphere. थर्ड वन इज एटमोस्फियर यानी कि एयर बट क्या अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने आपको लिथोस्फियर दिया है ये पोर्शन लैंड पोर्शन मैं आपको हाइड्रोस्फियर और एटमोस्फियर नहीं दूंगी तो कैन यू लिव विदाउट हाइड्रोस्फियर एंड एटमोस्फियर एंड लिथोस्फियर बिल्कुल नहीं मैं आपसे कहूं चलो मैंने हाइड्रोस्फियर दे दिया ठीक है बट मैं एटमोस्फियर नहीं दूंगी लिथोस्फियर नहीं दूंगी तो क्या आप हाइड्रोस्फियर में रह सकते हो बिल्कुल नहीं रह सकते मैंने कहा चलो मैं एटमोस्फियर दे रही हूँ ठीक है आई गिव यू एटमोस्फियर बट मैं ना ही हाइड्रोस्फियर दूंगी ना ही लिथोस्फियर दूंगी तो कैन यू लिव ओनली इन एटमोस्फियर नहीं रह सकते हमें सस्टेन करने के लिए लिविंग बींग को जीने के लिए इन तीनों की ही जरूरत है ओके जल थल वायु इन तीनों की ही जरूरत है जैसे हमें सेफ रहने के लिए जल थल वायु इन तीनों सेना की जरूरत है तो जहां पे ऑल दीज थ्री थिंग्स आर अवेलेबल दीज थ्री स्फीयर्स आर अवेलेबल दैट पर्टिकुलर रीजन इज नोन एज बायोस्फीयर बायोस्फीयर ठीक है उस पर्टिकुलर रीजन को हम बायोस्फीयर कहते हैं ठीक है जहां पे हमें एटमोस्फियर भी मिल रहा है हाइड्रोस्फियर भी मिल रहा है एंड लिथोस्फियर भी मिल रहा है सो दैट पर्टिकुलर डोमेन और दैट पर्टिकुलर रीजन इज नोन एज बायोस्फियर जस्ट अ मिनट लेट मी हैव सम वाटर सो विल स्टार्ट विथ द फर्स्ट वन दैट इज लिथोस्फियर What is lithosphere? Basically, the solid portion of the. I'm sorry for this disturbance. Basically, lithosphere is the solid portion, जिस earth पे हम रहते हैं, जिस पे हम चलते हैं, that is known as lithosphere. And this earth crust, अगर हम उसका deep part करें, तो that is divided into crust mantle core, जो कि आप seventh में पढ़ोगे अभी आगे चलके. And अगर हम उसके ऊपर सरफेस की बात करें सिर्फ तो अर्थ का जो सरफेस है क्रस्ट द अपर मोस्ट लेयर दैट कंसिस्ट ऑफ कंटिनेंट्स एंड ओशियन दैट कंसिस्ट ऑफ कंटिनेंट्स एंड ओशियंस ठीक है अब जो एलिवेशन होता है हमें अगर किसी भी लैंड का एलिवेशन मेजर करना है तो वी मेजर इट फ्रॉम द सी लेवल और बेसिकली हम उस सी लेवल को जीरो एज्यूम करते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द सी अगर ये मेरा मोबाइल सी है एंड दिस इज सम लैंड और इसकी लेंथ ये है तो हम इसके नीचे के पोर्शन को नहीं इसको हम यहां से मेजर करना शुरू करेंगे ओके विल स्टार्ट मेजरिंग इट फ्रॉम द पॉइंट वेयर इट इज इट टचेस द सी लेवल ठीक है लाइक दिस इफ दिस इज द सी एंड दिस इज यू नो द पीस ऑफ लैंड तो इसके नीचे का विल नॉट मेजर विल स्टार्ट मेजरिंग इट फ्रॉम दिस पॉइंट यहां वाले पॉइंट से हम इसको मेजर करेंगे एंड दिस पॉइंट विल बी टेकन एज जीरो और इसके ऊपर की जो ये लेंथ होगी दैट वी विल टेल दैट दैट इज द लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंडफॉर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस ठीक है नाउ माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट इट इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक दैट इज 8,848 मीटर हाई मरीना ट्रेंच इज ऑपोजिट टू इट 11,022 मीटर डीप ओके वो सी लेवल से नीचे जब हम लेन जाएंगे तो दैट इज इतना मीटर्स डीप ठीक है ना एट दीज टू पीपल एडमंड हिलेरी एंड टेंजिंग नॉर्गे दे बिकेम द फर्स्ट मीन्स दिस वॉज द फर्स्ट पेयर टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट ओके एंड जिनको ताबेई शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट बछेंद्री पाल शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दीज नेम्स यू मस्ट रिमेम्बर एडमंड हिलेरी एंड टेंजिंग नॉर्वे फर्स्ट पीपल टू पेयर सॉरी वन पेयर
टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, जिनको ताबेई फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, बछेंदरी पर फर्स्ट इंडियन फीमेल टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। ओके, नाउ कंटिनेंस की बात करेंगे हम, विल टॉक अबाउट द कंटिनेंस। जैसे कि यू हैव लर्न्ड दैट डिवीजन ऑफ अर्थ क्रस्ट इज इन कंटिनेंट्स एंड ओशियंस, तो अब हम बारी बारी सारे कंटिनेंट्स को भी देखेंगे, सारे ओशन को भी देखेंगे। ओके फाइन, एशिया, स्टार्टिंग विथ एशिया, एशिया इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट, ठीक है, सबसे बड़ा कंटिनेंट है एशिया। इट कवर्स 1/3 ऑफ लैंड एरिया ऑफ द अर्थ, मीन टू से कि अर्थ का 71% वाटर है, 70% लेट से वाटर है, अगर वो 30% जो लैंड है उस 30% का 1/3 इज कवर्ड बाय एशिया। एशिया लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू एशिया, and Asia is separated from Europe by Ural Mountains, ठीक है, Ural Mountains भी कहते हैं, Ural Mountains भी कहते हैं, Asia को Europe से separate करने वाली जो mountain range है, that is Ural Mountain Range। Earlier जब ये range नहीं form हुई थी या जब बहुत कम difference था या बहुत कम separation था, तो Europe और Asia actually ये बहुत पास पास हैं, बहुत सटे हुए हैं, तो their combined name is kept as Eurasia, ठीक है। Coming to Africa, Africa is the second largest continent. Equator runs almost through the middle of Australia from the middle of the continent. मैंने इसके पहले के जो chapters पढ़ाए, map जो पढ़ाया है, globe जो पढ़ाया है, उसमें आप map में तो नहीं, globe वाला जो chapter पढ़ाया, map में भी first slide अगर आप जाके देखोगे, तो you will find कि Africa की एकदम center से tropic of equator pass करता है, ठीक है। The larger portion of Africa lies in the नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अफ्रीका का बहुत सारा मेजर पोर्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। एंड जो तीनों इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है, जो हमने सेकंड चैप्टर में डिटेल में डिस्कस किया था, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों जो लैटिट्यूड है पैरेलल के, वो यहां से पास करते हैं, ठीक है। सहारा डेजर्ट जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट है, एंड इट इज इन अफ्रीका। नाइल रिवर जो है दैट इज इन अफ्रीका, सो यू नो नाइल इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर, सो दिस रिवर इज इन अफ्रीका एंड सहारा डेजर्ट इज ऑल्सो इन अफ्रीका। यूरोप के बारे में बात करते हैं, यूरोप छोटा कंटिनेंट है, लेकिन एशिया से छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं है। ओके फाइन, यूरोप इट लाइज टू वेस्ट ऑफ एशिया, एशिया के वेस्ट में लाई करता है। आर्कटिक सर्कल इसके थ्रू पास करता है। इट हैज वॉटर ऑन ऑल द थ्री साइड्स, ठीक फाइन। दिस वॉज ऑल अबाउट यूरोप, कि वो स्मॉलर देन एशिया है, एशिया के वेस्ट में लाई करता है, आर्कटिक सर्कल इससे पास करता है, इट हैज वॉटर ऑन ऑल द थ्री साइड्स, इसके थ्री साइड्स पे वॉटर है। अब आप मुझे बताओ, व्हाट इज अ पीस ऑफ लैंड कॉल्ड विच इज सराउंडेड बाय वॉटर ऑन ऑल द साइड्स, ठीक है, टेल मी व्हाट इज दैट कॉल्ड, एंड व्हाट इज मीन्स पर्टिकुलर लैंड और एरिया विच इज सराउंडेड बाय वॉटर ऑन ऑल थ्री साइड्स, उसको क्या कहते हैं, ऑल साइड्स एंड ऑल थ्री साइड्स, ठीक है। नाउ विल कम टू नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, लार्जेस्ट एशिया है, सेकेंड अफ्रीका है, देन थर्ड इज नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका थ्रू इस्थमस ऑफ पनामा, एंड दिस लाइज कंप्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। थ्री ओशियंस सराउंड नॉर्थ अमेरिका। नाउ योर होमवर्क इज टू सी द एटलस एंड फाइंड आउट विच थ्री ओशियंस सराउंड नॉर्थ अमेरिका एंड टेल द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ओके फाइन, अब ये हमने इसमें देखा कि इट इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय इस्थमस ऑफ पनामा। सी लाइक दिस, नॉर्थ अमेरिका इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय इस्थमस ऑफ पनामा, हियर लाइज द इस्थमस ऑफ पनामा। हियर अ स्मॉल डेफिनेशन इज रिटन ऑफ स्ट्रेट। स्ट्रेट इज अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सीज एंड ओशन। एक छोटा नैरो पाथ होता है वाटर बॉडी का, ठीक है, जो दो लार्ज वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है। सपोज एक लार्ज वाटर बॉडी मेरा मोबाइल है, एक लार्ज वाटर बॉडी मेरा चश्मे का डिब्बा है, एंड इसके बीच से अगर दो ही हाथ है मेरे पास, सो इफ आई हैव दिस एंड इसके बीच में अगर ये छोटी सी नैरो वाटर बॉडी है, सो दिस इज नोन एज स्ट्रेट, ठीक है, जो कि दो लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करें। आपको पता चल जाएगा क्यों पढ़ा रही हूं, आगे इसका डिस्कशन है। फाइन,
Now, South America. South America, as the name suggests, is like mostly in the southern hemisphere. Pacific Ocean is to the east of South America. Atlantic Ocean is to the west of South America. Andes Mountain, world's longest mountain, runs through the length from north to south. Means, जो Andes Mountain है, world के longest mountain है, and ये country के north से लेकर के country के south तक run करते हैं. ठीक है. Now world's largest river Amazon is in South America. Confused नहीं होना. यहाँ पे आपने बोला North America, sorry, Africa में world की longest river है Nile, and South America में world की largest river है Amazon. ठीक है. Africa has world's longest and South America has world's largest. Now Australia, it lies entirely in the southern hemisphere. Surrounded by water on all three sides and called an island continent. ठीक है, this is called an island continent because it is surrounded by water on all the three sides. It lies entirely in the southern hemisphere. Talking about Antarctica, it lies completely in the southern hemisphere. South pole is at the center of Antarctica. Means अगर आप Antarctica देखोगे तो नीचे South pole is at its center. It is permanently covered with thick ice sheet because Sundays नहीं पहुंच पाती है, बहुत ठंड होती है यहाँ पे. And research station बहुत सारी countries के यहाँ पे है, mainly जिनका नाम है मैत्री and दक्षिण गंगोत्री. This was all about Antarctica that you needed to know. आपके कंटिनेंट के बारे में आपको इतना ही जानना था. Now hydrosphere. अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं बिकॉज मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज वाटर, 29% इज लैंड, एंड हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट वाटर इन ऑल फॉर्म्स. जितने भी फॉर्म में वाटर होते हैं उनको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, चाहे वो आइस के फॉर्म में, ग्लेशियर्स, रिवर, सी, और सबको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं. देन मोर देन 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज ओशियन. जितने भी फॉर्म में अर्थ पे अगर 71% वाटर है तो 71% का 97% वाटर ओशियन के फॉर्म में है. ओके, लार्ज पोर्शन इज इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट एंड ग्लेशियर्स और अंडरग्राउंड वाटर. वेरी स्मॉल पोर्शन इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर दैट इज फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. भले 71% वाटर है लेकिन उसमें से बहुत स्मॉल पोर्शन वाटर का फिट होता है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड हेल्दी होता है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. ओके, एंड दिस इज द रीजन, द पर्टिकुलर रीजन व्हाई वी फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर. पानी तो बहुत है, सही पानी, साफ पानी ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो वाटर चाहिए वो नहीं है. ओके, फाइन. ना ओशियंस एंड चीफ मूवमेंट. ओशियंस के तीन चीफ मूवमेंट है, वेव्स, टाइड्स एंड ओशियन करेंट्स. वेव्स जो होते हैं पानी के वेव्स, दे कम एंड गो. ओके, सबको सबने देखा है. टाइड्स, देयर आर बेसिकली टू टाइड्स, हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स. आप आगे पढ़ोगे इसको डिटेल में. एंड देन ओशियन करेंट्स. ठीक है, इन तीनों की डेफिनेशन, वेव्स, टाइड्स, ओशियन करेंट्स, ये सब आपको पढ़ना है लेकिन अभी क्लास सिक्स एनसीईआरटी में नहीं है. हम डेप्थ बाय डेप्थ, डिटेल बाय डिटेल चलेंगे जैसे जैसे वो हमारी एनसीईआरटी में आता जाएगा. ठीक है, नेम्स ऑफ ओशियंस. जो हमने देखा था कि जो अर्थ क्रस्ट है वो दो पार्ट में डिवाइड है, कंटिनेंट्स एंड ओशियन. कंटिनेंट्स हमने सारे देख लिए, अब हम देखेंगे ऑल फाइव ओशियंस. सो फर्स्ट इज पैसिफिक ओशियन, देन वी हैव एटलांटिक ओशियन, देन वी हैव इंडियन ओशियन विच इज द ओनली ओशियन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, देन वी हैव सदर्न ओशियन एंड देन आर्कटिक ओशियन. ठीक है, ना पैसिफिक ओशियन. पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन and it covers one third of the earth. Mariana Trench lies in this. Mariana Trench is considered to be one of the deepest place on earth. It lies in Pacific Ocean. Pacific Ocean is almost circular in shapes, and Asia, Australia, North and South America, they surround the Pacific Ocean. ठीक है, then we have Atlantic Ocean which is the second largest ocean and it is in S shaped and it is flanked by North America, South America on the west, Europe and Africa on the east side. ठीक है, it is highly indented coastline, means बहुत broken coastline है. ठीक है, Atlantic Ocean के पास जो coastline है that is not plain, बहुत irregular है, and it is the busiest ocean. आप merchant navigators से, mariners से, इनसे पूछो या merchandise जितनी भी होती है, so all these things, Atlantic Ocean is the busiest ocean. ठीक है, why? Because it is a very ideal location for the ports. Ship harbor हो सकती है, ship anchor हो जाती है, harbors available होते हैं, ports available होते हैं,
एंड आइडियल लोकेशन होती है, जो अवेलेबिलिटी चाहिए होती है वो अवेलेबिलिटी होती है यहाँ पे. इंडियन ओशियन, जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, ओनली ओशियन नेम्ड आफ्टर द कंट्री विच इज ट्रायंगुलर इन शेप. इट इज सराउंडेड बाय एशिया इन द नॉर्थ, अफ्रीका इन द वेस्ट एंड ऑस्ट्रेलिया इन द ईस्ट. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें याद रखना कि ये कहाँ कहाँ सराउंड होते हैं, बिकॉज आपसे प्री में ये पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में. एंड कि ये कंटिनेंट एरिया, मान लो एशिया सराउंड्स फ्रॉम नॉर्थ टू विच ओशियन, ठीक है, या विच ओशियन इज सराउंडेड बाय एशिया इन द नॉर्थ, या इंडियन ओशियन इन द नॉर्थ इज सराउंडेड बाय विच कॉन्टिनेंट. ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखना. यहाँ पे अटलांटिक ओशियन में इंपॉर्टेंट है, आइडियल लोकेशन मीन्स बिजिएस्ट ओशियन, सो दैट यू नीड टू रिमेम्बर. इंटेंडेड कोस्ट लाइन, ये रिमेम्बर रखने की जरूरत है. ठीक है, ना वी हैव सदर्न ओशियन and circle entire continent of Antarctica, very important, and extend northward to 60 degree south latitude. Fine. Arctic Ocean, Southern Ocean में बस यही एक important point है, and circle continent of the Antarctica. Arctic Ocean located within the Arctic Circle, ऊपर जो था second chapter में discuss किया था, it surrounds the North Pole and it is connected with Pacific Ocean through Bering Strait. यहाँ पे बताया है strait क्या है, क्या जरूरी है. पैसिफिक ओशियन अपने में ही एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी है, आर्कटिक ओशियन अपने में ही एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी है. जैसे कि ये पैसिफिक ओशियन एंड दिस इज आर्कटिक ओशियन, एंड इसको कनेक्ट करता है बेरिंग स्ट्रेट, जिसकी डेफिनेशन हमने देखी थी इधर. स्ट्रेट इज अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडी लाइक सीज एंड ओशियंस. ठीक है, फाइन. Then it is surrounded by northern coast of North America, surrounded by northern coast of North America and Eurasia. Eurasia again, Europe and Asia. Arctic Ocean को northern coast of North America and Eurasia surround करते हैं. ठीक है. Atmosphere, last but never the least, it is a layer of gases. I think ये visible होगा, नहीं visible है तो मैं पढ़ रही हूँ. It is a layer of gases. ठीक है. It extends up to a height of 1600 km and it is divided basically into five parts, five regions based on its composition and temperature. ठीक है, और भी factors होते हैं जिनको हम लेते हैं. And these layers are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. अभी class 6 में you have only the names. 7th में you have क्या क्या features हैं, कहाँ क्या पाया जाता है, क्या कितने से कितने डिस्टेंस में होता है. ठीक है, तो अभी नाम याद रखना है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर. एंड जो एटमोस्फीयर का कंपोजिशन होता है, इसमें 78% इज नाइट्रोजन, 21% इज ऑक्सीजन एंड अनदर गैसेस इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज 1%. डेंसिटी ऑफ एटमोस्फीयर, इट वेरीज विद हाइट, बिकॉज डेंसिटी डिक्रीजेस एज वी गो अप एंड द डेंसिटी रिमेन्स मैक्सिमम एट द सी लेवल. ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वैसे वैसे एटमोसफेयर की डेंसिटी डिक्रीज होती है. एंड यू नो, यही एक वन ऑफ द मेजर रीजन है कि रीजन है कि क्लाइंबर्स अपने साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं, बिकॉज एटमोसफेयर जो प्रेशर होता है, जो डेंसिटी होती है वो डिक्रीज होता है, और टेम्परेचर भी बहुत डिक्रीज होता है, तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम अकर्स. एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, जिसको मूविंग एयर जो होती है, जिसको हम कहते हैं विंड. ठीक है, मूविंग एयर इज नोन एज विंड, एंड एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया. देन वी हैव बायोस्फीयर, जो हमने एटमोस्फियर पढ़ा है, लिथोस्फियर पढ़ा है, हाइड्रोस्फियर पढ़ा है. ऐसा रीजन जहां ये तीनों अवेलेबल हो, वो उसी को हम कहते हैं बायोस्फियर. दैट प्लेस इज नोन एज बायोस्फियर एंड दैट इज द ओनली प्लेस, नॉट द ओनली प्लेस बट दैट इज द प्लेस वेयर 99% ऑफ द लाइफ एग्जिस्ट. अब यहाँ पे हार्म क्या हो रहा है, बहुत बड़ा थ्रेट, ये वर्ल्ड ग्लोबल वार्मिंग, हीटिंग अप ऑफ अर्थ एनवायरमेंट, ओजोन लेयर का डिस्ट्रॉय होना. ठीक है, दैट इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग, कि अर्थ बहुत ज्यादा हीट अप हो रही है, एंड दिस विल अफेक्ट द ओजोन लेयर, जो कि सन की अल्ट्रावायलेट रेस को रोकता है, हमें बचाता है उससे. वो खराब होगा, वो टूटेगा, ऑलमोस्ट उसमें होल हो भी रहा है, तो अर्थ और गर्म होगी और हीट अप होगी, एंड विच विल ऑटोमेटिकली लीड टू डेडली डिजीजेस टू ह्यूमन बींग. ठीक है, तो दिस इज व्हाट ग्लोबल वार्मिंग इज, विच कॉजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड विच लीड्स टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस. ठीक है, एंड यही था चैप्टर में. ग्रीन हाउस गैसेज बेसिकली होती है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो अभी के लेवल पे आपको याद रखनी है, कार्बो सिक्स में है नहीं, बट स्टिल
मालूम रहे, अच्छी बात है। सो दिस वॉज ऑल इन द चैप्टर जो हमने लिया है। आई थिंक क्लास सिक्स में आपको सबसे बड़ा चैप्टर यही मिलेगा, इससे बड़ा चैप्टर आई डोंट थिंक ये एक वेजिटेशन है, शायद अदरवाइज वेजिटेशन सेवेंथ में। फाइन, सो दिस वॉज ऑल इन द चैप्टर। व्हाट यू नीड टू डू इज इसको पढ़ो, नोट्स बनाओ, लेक्चर की नोट्स बनाओ, एनसीईआरटी से जरूर नोट बनाओ, एक चैप्टर को एक ए4 साइज पेज में कवर करने की कोशिश करो। अगर वो नोट्स भी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं जब कमेंट सेक्शन में बताऊंगी तभी मैं टेलीग्राम ग्रुप ओपन करूंगी। एक भी बच्चा बोलेगा तो मैं उसके लिए करूंगी टेलीग्राम ग्रुप ओपन, एंड देयर आई विल बी शेयरिंग द नोट्स। ये पीडीएफ भी मिल जाएगा, हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे वहां पे, ठीक है। एंड वो नोट्स एनसीईआरटी कवर करेंगे, बट फिर भी मैं आपको एडवाइस करूंगी आप एनसीईआरटी पढ़ो, बिकॉज 100% आपकी कैपेसिटी, आपकी एफिशिएंसी, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। अगर कल को कोई आके कह दे कि दैट पर्सन नोज 100% अबाउट यू, नहीं होता। 100% हम अपने बारे में खुद नहीं जानते, कोई दूसरा घंटा जान पाएगा, ठीक है। तो पढ़ते रहो, डोंट बी डीमोटिवेटेड, डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड, डोंट फील लो, ठीक, बस पढ़ो, एक दिन अपना भी आएगा, क्यों चिंता करना है, ठीक है। बस अच्छे से पढ़ना है, मन लगा के एकदम अच्छे से यूपीएससी पढ़ना है, एआईआर, अच्छी एआईआर के साथ, ठीक है। तो अभी बेस हम क्लियर करेंगे, हम डेप्थ डिटेल हर जगह जाएंगे, लेकिन पहले हम एनसीईआरटी 6-12 को कवर करेंगे, ठीक है। जब आप एनसीईआरटी 6-12 कवर कर लोगे, फिर आप अगर आप किसी कोचिंग में भी जाना चाहते हो तो आप वहां के लिए भी चीजें अच्छे से समझ पाओगे, बिकॉज आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा तब तक। ओके, सो टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप रॉकिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।